हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम इन सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज हम मास टू मास रिलेशनशिप की एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो आपके सिंध बोर्ड बुक में पेज नंबर 21 पर मौजूद है। इसकी एग्जांपल नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और ये एग्जांपल हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसमें से आपको जो भी मेथड सूटेबल लगता है, जो आपको ईजी लगता है, उस मेथड से आप अपने एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम के अंदर इसे सॉल्व कर सकते हो, और बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करके आप अपने करेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपका दिल माने तो सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल आपके पेज नंबर 21 पर बुक के मौजूद है, और इस सवाल में लिखा है कि क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। क्लोरीन आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, जिसमें वो यूज़ कर रहे हैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें, कैलकुलेट करें वेट यानी मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि हम क्लोरीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में वो जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या नाम है NaCl। अब ये कह रहे हैं कि आप हमें ये कैलकुलेट करके बताएं कि हमें कितना NaCl चाहिए होगा अगर हमें 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करना है। 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करना है तो आप कितना NaCl यूज़ करेंगे ग्राम में, ये आप हमें बताएं। तो चलें देखें, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक का नाम मोल मेथड मैंने दिया है, दूसरे का नाम ग्राम मेथड दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं जिसके थ्रू हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ग्राम मेथड की तरफ आते हैं। तो ग्राम मेथड में सबसे पहले देखें, एक इक्वेशन है दोनों के लिए यूज़ होनी है, जिसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं ये बैलेंस इक्वेशन है जिसमें लिखा है कि 2 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, उसके साथ वाटर मौजूद है क्योंकि ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस मतलब वाटर। 2 मोल ऑफ NaCl को जब उन्होंने कंबाइन किया 2 मोल ऑफ वाटर के साथ और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया तो उन्हें क्लोरीन मिला, हाइड्रोजन मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, लेकिन हमारा जो कंसर्न क्या है कि हमें क्लोरीन चाहिए। तो मतलब ये इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके काम की, और इसमें जिन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे वो जस्ट NaCl पे करेंगे एंड क्लोरीन पे करेंगे, बाकी आप इसमें से किसी चीज़ को नहीं देखेंगे। अब सबसे पहले हम ग्राम मेथड की तरफ आते हैं, तो और मैंने ग्राम मेथड को इस तरफ सॉल्व किया, ये यूँ ना समझिएगा, ठीक है। तो ग्राम मेथड मैंने लिखा यहाँ है लेकिन सॉल्यूशन यहाँ है, तो आप देख सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने इक्वेशन को शॉर्ट करके यहाँ लिख दिया जो आपके लिए इजी है। उसमें मैंने क्या लिखा कि 2 मोल ऑफ NaCl प्लस 2 मोल ऑफ वाटर से हमें मिल रहा है क्लोरीन। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, 2 मोल से तो हो गया 117 ग्राम, और इसके साथ क्लोरीन का 71 ग्राम। वाटर को इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ना सवाल में पूछा गया है और ना हमें इससे कोई काम है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड कर दिए। इसके बाद उन्होंने सवाल में क्या पूछा है कि क्लोरीन जो है वो हमने 142 ग्राम चाहिए, तो आप कितना NaCl यूज़ करेंगे। तो इसका जो मास, गिविन मास है वो 142 ग्राम है, और एक्स मतलब हमें ये फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें बिल्कुल सिंपल सा है। आप यहाँ से ये दोनों चीज़ें गिविन है ना, तो आपने क्या लिखा, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर प्रोड्यूस बाय, मतलब क्योंकि प्रोड्यूस हुआ है ये रिएक्टेंट है, आर प्रोड्यूस बाय 117 ग्राम ऑफ NaCl। ऊपर वाले मॉलिकुलर मास को आपने इससे कंपेयर किया, आपने कहा 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन को आपने प्रोड्यूस किया 117 ग्राम ऑफ NaCl से। अब आप कह रहे हैं कि 142 ग्राम अगर आपके पास क्लोरीन है तो कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है तो कितना NaCl हमें चाहिए होगा। तो आपने लिखा 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर प्रोड्यूस बाय x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 117 142 से होगा मल्टीप्लाई और इससे हो जाएगा डिवाइड। तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 117 मल्टीप्लाई बाय 142, और यहाँ पर 71 मौजूद है तो इसको आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आंसर आया आपको 234 ग्राम सोडियम क्लोराइड यूज़ करना होगा। अगर आप 234 ग्राम सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
142 ग्राम क्लोरीन। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जो हमारे पास है मोल मेथड, ठीक है। उस मेथड के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। अब यही सवाल है, इसी इक्वेशन को मैंने फिर से लिख लिया कि 2 मोल ऑफ NaCl प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, और इसको क्लोरीन से मतलब क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ इसमें। अब मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया, पहले मोल्स की बात करते हैं, तो देखें यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ 2 मोल लिख दिया, यहाँ पे कोई मोल्स नहीं है तो हमने 1 मोल लिख दिया। उसके बाद हमें पता है ये 142 ग्राम दिया हुआ है और इसका मॉलिकुलर मास 71 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस 142 ग्राम को इतना खास यूज़ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे क्लोरीन का मोल निकालेंगे कि क्लोरीन कितने मोल्स मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास कितना है 142 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, क्लोरीन का मॉलिकुलर मास 71 है, 142 को 71 से डिवाइड किया, आंसर आया 2 मोल। अब हम करेंगे कंपैरिजन, कैसे करेंगे, हम पहले नीचे से यहाँ से करेंगे कि 1 मोल से हमें 2 मोल मिला, तो हमने लिखा 1 मोल ऑफ क्लोरीन को रिक्वायर है 2 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, ये इक्वेशन से हमने लिया। फिर यहाँ पे जो 2 मोल्स हैं ये, तो हमने कहा कि अगर 2 मोल क्लोरीन है तो हमें कितने मोल NaCl बनेगा, तो हमने लिखा 2 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 2 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और 1 से डिवाइड किया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 से डिवाइड किया, आंसर आया 4 मोल। अब हमें आंसर चाहिए ग्राम में, अब हम इस मोल को क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मोल को जब ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, मास इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिकुलर मास। अब NaCl का ये आंसर आया 4 मोल, ठीक है, 4 मोल, मोल की जगह 4 आ गया। NaCl का जो मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 58.5, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 234 ग्राम। अब देखें यहाँ पे भी 234 ग्राम आया था, यहाँ पर भी 234 ग्राम आया, मतलब आप दोनों मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड आपको जो इजी लगे। लेकिन अगर मुझसे अगर आप पूछें कि कौन सा बेहतर है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस मेथड से ग्राम मेथड के थ्रू सॉल्व करें, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आपको मार्क्स तो फुल ही मिलने हैं। इसी के साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।